हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का है हमारा ट्रिप का दूसरा दिन, और प्रीवियस ब्लॉग की जो हमारी एंडिंग है वो मैं नहीं कर पाया था, तो मैं इस ब्लॉग में आपको बता देता हूँ। हमने ये रूम लिया था धारचूला में, और हम लगभग ये समझ लीजिए ये भी हमारा पांचवा होटल है जिसमें हमने सर्च किया था और हमें यहाँ पर होटल रूम अवेलेबल हुआ। तो यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जितनी भी हमें ज़रूरी हैं वो इस रूम में हमें मिल गई हैं इसमें, और बाकी हमें केवल नाइट स्टे ही करना था, इसलिए हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव पे गए भी नहीं। तो ये रूम एक बेसिक एमिनिटीज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। और अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा, और ये है हमारी शनिवार की सुबह 6:30 बजे का। तो ये तो है यहाँ का मार्केट रोड, एंट्री इसकी पीछे से है, नज़ारा बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बैठे हैं। तो अभी जो आपने देखा वो था हमारा धारचूला के पहाड़ों का नज़ारा और हमारे होटल रूम से। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी सारे सामान अनपैकिंग हो रखी है, अभी इसको सब पैक करना है। यहाँ पे हमारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं, और आपको दिखाएंगे धारचूला से मनस्यारी तक का रोड, और आपको दिखा रहे हैं हर उस जगह के नज़ारे जो इंडिया के अंदर अनदेखे रह जाते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारे आगे की वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन हिट जरूर करें। यहाँ से आप व्यू देखिए भैया, आप देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। दिस इज़ मॉर्निंग टाइम, 9:45 बज रहे हैं, और ये पहाड़ों में, ये समझ लीजिए कि ये पहाड़ों के अंदर बसा हुआ धारचूला, और नीचे बह रही है रिवर। रिवर का फ्लो इज़ ग्रेट, फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ये जो है आगे जाके एक और हमारी रोड कनेक्टिंग है उसको डायरेक्टली हिट करके उसके बाद हमने डायरेक्शन चेंज करती है। तो सोचिए कि वो रोड कितना रिस्क में है, अभी वो रोड भी आपको दिखाएंगे। हमारे कल के ब्लॉग में भी आपने वो चीज़ देखी, और सच में इतनी हाइट में और इतने पास से पहाड़ हमने पहली बार देखे हैं। 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है, और आपको वो बॉर्डर दिख भी जाएगा जैसे कि हम भी देख पा रहे हैं यहाँ से। और ये पूरा नज़ारा है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर का। चले, धारचूला से हो चुका है हमारा एग्जिट, और अभी अभी आपने देखे जो पहाड़ वो धारचूला के से दिखते हैं बट है वो नेपाल, और बीच में से डिवाइड कर दिया इंडिया और नेपाल को एक नदी जो है काली नदी, गौरी गंगा। लो सफर शुरू हो गया हम सफर, तू हो गया लो सफर शुरू हो गया मेरा हम सफर, तू हो गया। आहा, दिस इज द ब्रिज व्यू एंड दिस इज द माउंटेन्स फ्रॉम द ब्रिज। ऐसे ब्रिजेस में से निकलने में बहुत मजा आता है, बहुत। देखिए ये पूरा इस तरीके से फ्लो आ रहा है, और ये पूरा वैली, वैली के अंदर से, मतलब थोड़ा सा वैली में है पूरा शहर, और बाकी सबसे डाउन डाउन लेवल पर अपना ये रिवर बह रही है, और ये रिवर जो है शायद ऊपर कहीं से आ रही है जिसकी वजह से ये फ्लो इतना तेज है इसका। ये है वो जगह जहाँ पे नदी जो है ना वो सीधे दीवार से टकरा के तब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। वैसे तो खैर इतना यहाँ सामने से देख पा रहे हैं तो इतना रिस्की तो नहीं लग रहा है, और ये रेती जो पड़ी हुई बिल्कुल ऐसा है बीच का साइड। गंदे होने का नंबर लग चुका है, आगे व्हीकल्स व्हीकल्स हैं, ट्रक भी हैं आगे, तो मुश्किल है क्रॉस करना, ओवरटेकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि रोड इतना चौड़ा नहीं है।
और कर्व्स हैं तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं, तो देखते हैं कब तक हमें उनके पीछे पीछे चलना होगा। बैड पैच धुम धुम। यहाँ पे लोग अपने दिनचर्या में शुरू हो गए हैं अपने छोटे मोटे काम करने के लिए, और अच्छी जगह होती है ये। पहाड़ वहाड़ पे हम आते हैं, वहाँ पे सिंपल लाइफस्टाइल होता है, किसी को ज़्यादा बड़े घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा भी है वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, ना उनके कोई बड़े बड़े सपने होते हैं कि हमें ये करना है हमें वो करना है, अपना सिंपल लिविंग जियो और थैंक्स बोलो गॉड को और निकल जाओ। जब लोग खुश होकर देखते हैं उनको हाई बाय करने का मन करता है कि दे आर अप्रिशिएटिंग अस मनी मन में। लोगों ने इन जगहों को इतना सुंदर बना रखा है तो इसलिए उनको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट हम भी कर सकते हैं। अभी जिंदा है तो जी लेने दो, जी लेने दो, खाली बरसात न पी लेने दो, खाली बरसात न पी लेने दो। यहाँ पर हो रहा है पुल का निर्माण, अगली बार जब आएंगे तो शायद पुल बन चुका होगा ये वाला। भागरी कहाँ गए तुम? हम भाग चुके हैं, आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं नोएडा से। ओह वाओ, नोएडा इज सो ब्यूटीफुल। पूरा रोड क्लियर व्यू में आ रहा है, देखिए पूरी वैली का नजारा। वाह वाह वाह, क्या नजारा है, मजा ही मजा। आप भी यहाँ पर आए एक बार यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाएं, क्योंकि हर जगह के पहाड़ों के मजे अलग ही होते हैं, वहां के रोड अलग ही होते हैं, वहां के पहाड़ अलग ही होते हैं। चलो ये है रेस्टोरेंट टाइप का सा, देखे इस पे पराठे मिल जाएंगे, खाए जाए पे उतरो। जॉय दीदी का मार्केट से क्लोज हो के हम निकल गए हैं, खाना वाना हमने खा लिया है, पराठे हमें भरवा नहीं मिले, बस सिंपल पराठे विद सब्जी दही चटनी के साथ, इतना बढ़िया लग रहा था। दिस इज द प्लेस फॉर स्लीपिंग एंड मतलब अभी तक हम अगर कहें तो हमारी जो पुत्थे है ना उनको छोड़कर बाकी कोई चीज प्रॉब्लम नहीं कर रही। मुंशियारी 67 ये आ गया वो टी पॉइंट, अब हमें मुंशियारी जाना है। मुंशियारी है यहाँ इसी रोड पे 45 किलोमीटर पे मदकोट है और 67 किलोमीटर पे है हमारा मुंशियारी। तो अब हमें देखना है, एक घंटा तो फिर लगना ही लगना है क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता है, बाकी डेढ़ घंटा मान के चल रहे हैं हम, डेढ़ घंटा मान के चले, डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ओ वाओ, हाँ रिस्क बहुत है यहाँ पे। मुंशियारी 49 और ये आ गया एक नया ब्रिज।
ले ले फटे भैया उठते यहाँ पे, उतरो उतरो फटाफट उतरो, बढ़िया सा लेना है। ये आ गए हमारे मनाली वाले रास्ते जिग जैग। अठारह टन की क्षमता वाला ये पुल है। वाओ बढ़िया ऑफ रोड मिल गई है। आहा मजेदार रोड है यार, यहाँ के भी सही है यार रास्ता। हाँ उधर चलोगी? बैटरी वॉज डेड, दैट्स व्हाई हमने एक नई बैटरी मतलब बैटरी चेंज कर दिया। और अब अभी अभी हम जो निकले थे वो शायद रिकॉर्ड ना हुआ हो, एक गंदा सा ट्रेल आया था उसमें क्रेन व्रेन का काम चल रहा था और ट्रक भी था और एक और गंदा पैच यहाँ पर आ चुका है। और चढ़ाई भी है, गंदा ट्रेल और चढ़ाई साथ में, तो उसमें ये हो सकता है पिछला वाला पहिया जो है ना बार बार आपका स्किड कर रहा था।
गॉड 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 गॉड, अब ये चढ़ाई थी, अब ढलान आ गई है, वही गंदी टाइप की है। तो भैया देख रहे हो किस टाइप के रूट्स हमें मिल रहे हैं, बट जैसा भी है ऐसी रोड्स के लिए ही तो हम यहाँ पर आते हैं। अच्छी रोड पे चलाना तो है तो शहर में चला लो। हमारे शहरों में लोगों के दिमाग खिसके हुए होते हैं और पहाड़ों में पहाड़ खिसके हुए होते हैं। वहां पे रोड ब्लॉक है, मिट्टी खिसकी है ना ऊपर से, शायद वो हटा रही है क्रेन। तो भाई अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, चलो तो भाई एक काम करते हैं, इधर ही रोकते हैं। क्रेन जो है वो रास्ता बना रही है, पीछे भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और हमने भी बाइक अपनी पीछे वहां खड़ी कर दी है। यहाँ पे नदी बह रही है, मेरे ख्याल से इतने में से ही निकालना पड़ेगा हमें अपना बाइक वगैरह को। चलो निकलना शुरू हो चुका है, तो भैया जैसा कि आप देख रहे हो एक वाटरफॉल हमें दिख चुका है, बट वो है नदिया के पार। और यहाँ पे हम रुके हैं, छोटा सा फील्ड बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये वाटरफॉल। मुझे उस ब्रिज पे जाना है। तो भैया देखो अब हम जा रहे हैं इस वाले ब्रिज पर, वो खड़े हमारे पंछी के साथ में। और वो आ गए बिल्कुल ब्रिज के बीच में। अब चल रहे हैं हम वापसी, कुछ ऐसे ही ब्रिजेस और दिखाएंगे आपको अपने अगले सफरों में। हम तो सोचते थे ये वही जगह शिमला के रास्ते में दिखेगी या लद्दाख जाएंगे तो इसमें दिखेगा, लेकिन ये तो हमें यहाँ पे भी दिख गया, मुंशियारी के रास्ते में भी बहुत बढ़िया अपने पैसेंजर्स हैं। वाटरफॉल ऑन आर वे, वाओ हमारे रास्ते में ही वाटरफॉल है। तो
everybody in the world blind. Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? और आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाते हैं, इस पूरे पहाड़ पे है पानी गिर रहा है और ये है उसका एक नज़ारा छोटा सा। तो बीच बीच के नज़ारे हम आपको दिखाते जा रहे हैं और मज़ेदार दृश्य। ओह हो, ये तो और ऊपर से ही आ रहा है। वेलकम टू मडकोट। मडकोट में आपका स्वागत है और मडकोट ने अपना स्वागत करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए आपको एक वाटरफॉल दिखा दी ऑन रोड। तो ये कोई रिसोर्ट था जिसकी अब हालत जर्जर हो चुकी है। ओह माय गुडनेस, रोड कहाँ है यहाँ पे? वो लोग उधर रिवर पे गए हुए हैं, ये शायद वहीं पे जा रहे हैं। और रोड जो प्रॉपर शायद ऊपर वाली है। हाँ ठीक है, ये तो इधर की तरफ गए हैं, वहां पे लेडी भी है बच्चा भी है। हाँ जी भैया, देख लो ये कैसे कैसे रास्ते से हम आप जाते हैं व्यूज लेने के लिए। देखते हैं कहीं ना कहीं आगे से होगा। ये हाँ हाँ उतर जाओ, अभी पहले थोड़ा सा आनंद लेते हैं। थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं। तो भाई हम मनस्यारी के रास्ते पे पहुंच चुके हैं और ये रोड है जिस पे अभी हमें जाना है ऊपर, और वहां से फिर वो जो कार उतर के आ रही है उस तरफ मुड़ना भी है। तो ये वाला रोड जहाँ तक इस तरीके इस तरफ हमें जाना होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये मनस्यारी से वापस आ रहे हैं और यहाँ पर हम रुके हैं क्योंकि साइड में हो रहा है रिवर फ्लो। तो पहले आपको मैं रिवर फ्लो दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं हेलमेट उतार के आई विल एंजॉय माई सेल्फ। This is the river flow. मज़ा ही मज़ा आ रहा है। Oh, 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 oh
सही है। एक और ब्रिज। मैंने ना बोला माइल्स में देखा नहीं। बुआ नहीं जा रही है। ग्लोस्टर बादल देखो पहाड़ के ऊपर है। पता मेरी आंखों में जूमिंग लेंस लग गया है। मैं पहाड़ों को देख रहा हूं ना तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। चलो पेट्रोल पंप मिल गया। यहाँ पे बारिश होने के आसार हो सकते हैं। हैं? हाँ तो गाइस हम मंसाहारी के मार्केट में रोमिंग कर रहे हैं और अभी अभी हमने अपना नॉर्मल खाना वगैरह खा लिया है और अब हम देख रहे हैं बाकी और क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमें मिल सकता है। बूंदे गिरने लगी है। सीधा चले सीधा। तो भाई लोगों अभी देखो मंसाहारी हम आए हैं, वापस जा रहे हैं। इसके आगे ट्रैकिंग वगैरह अगर आपको करनी है नंदा देवी के लिए आप जा सकते हो। और एक आपका वो आपने देख ही लिया धारचूला से, अगर आपको आदि कैलाश अगर जाना है तो वहां के लिए भी आप जा सकते हो। और यहां पर एक वाटरफॉल है बिरती फॉल्स, वो थोड़ा दूर पड़ेगा तो अभी इस बार हम नहीं जा रहे हैं। एंड वाटरफॉल हमने ऑलरेडी बीच में देख भी लिया है, वो छोटा है बड़ा जैसा भी है। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए एक और है, वो क्या था साक्षी? मनेसर नाम से एक जगह है। और हाँ, और एक कुंड और था ना, वो कौन सा कुंड था? ठमरी कुंड और था यहाँ पर। वो भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब कोशिश करेंगे वहां पे करें, क्योंकि अभी पहली चीज तो ये हम नेक्स्ट टाइम विजिट करने के लिए, मतलब इस टाइम के लिए हम लेट नहीं होना चाहते क्योंकि हमें जाना थोड़ा अभी दूर और रात हो जाएगी तो यहाँ का रास्ता भी इतना सेफ नहीं है, खराब बहुत है रास्ता। इसलिए हम टाइमली पिथौरागढ़ के लिए निकल चुके हैं अभी और आपको दिखाएंगे वहाँ के बीच के भी नज़ारे। कुछ तो आपने देखे हुए हैं और कुछ और नए नज़ारे हम आपको इसमें दिखाएंगे। गंदा पैच आ गया थोड़ा सा अच्छा पैच दे के, यह कहते हैं ना अगर बहुत ज़्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन भी आते हैं।
और बहुत ज्यादा बुरे दिन अगर चल रहे हैं तो लोगों को सांत्वना दी जाती है कि चिंता ना कर, अच्छे दिन भी आएंगे। तो आ गए अच्छे दिन। फिर बुरे दिन आ गए। ऐसे ही चलता रहता है जीवन काल में। अरे एक चीज देखो, यहाँ पे अजीब से कुछ कीड़े हैं। देखो ये देखो, है ना, वो भी देखो कैसे चल रहे हैं ये। हाँ उधर चलो और उधर चलो। क्या दिखा रहा हूँ ड्राइवर? और उधर की तरफ जगह है, पत्थर के ऊपर से निकालने में प्रॉब्लम है तुझे। पुल के ऊपर जाने का रास्ता ये है, पैदल पैदल जाने में तो गंदा नहीं है। ऊपर गुफा भी है। अब हमारा जो झरना आ गया है और हम उस झरने पर थोड़ी देर के लिए रुकने वाले हैं और वहां की जो स्ट्रीम्स हैं जो हवा के साथ में आएंगी वो हम उनको फील करने वाले हैं। हाँ हाँ हमने यहाँ पर होल्ट लिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वाटरफॉल के पीछे से। और अगर ये वाटरफॉल थोड़े से पत्थर और पीछे हो जाए तो ये वाटरफॉल सीधे गिरेगा आपके सर पर रोड के बीच में और आपको गीले होते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अभी फिर से ये नज़ारा देख सकते हैं आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है इस वैली का फ्रंट से। उस वक्त हम आ रहे थे तो अगर आप जाते समय पे देखेंगे तो वो अलग नज़ारा अलग व्यू आपको मिलेगा, आते समय पे व्यू अलग मिलेगा। ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई थी और उसको रोकने के लिए यहाँ पर वॉल बनाई जा रही है क्योंकि बारिश का टाइम शुरू होने वाला है और यहाँ पर और लैंडस्लाइड होके कहीं रोड बनना हो जाए इस वजह से यहाँ पर पहले से प्रिपरेशंस चल रही हैं। ये था हमारा होटल जो कल रात को हम रुके थे पिथौरागढ़ में और यहाँ पर हम पहुँचे थे कल रात को 7:30 बजे करीब और अब हम यहाँ से डिपार्ट हो रहे हैं।